आपकी शादी को कितने दिन हुए हैं? डॉक्टर साहब, हमारी जिंदगी में इनको आए हुए पूरे 5 साल हो गए। तो इन 5 सालों में कभी गर्व नहीं ठहरा? कभी किसी डॉक्टर से सलाह मशवरा लिया कि नहीं? नहीं डॉक्टर, किसी से सलाह मशवरा नहीं लिया। पहली बार आप ही के पास आया हूँ लेके मैडम को। हमने आपका बड़ा नाम सुन रखा था। अच्छा, आप ये बताओ कि पीरियड से फ्री होने के बाद कितने दिन बाद आप रिलेशन में आते हैं? जी, पीरियड फिनिश होने के दूसरे दिन से हम रिलेशन में आना शुरू कर देते हैं। फिर तो गर्व ठहर जाना चाहिए। डॉक्टर, अब आप ही हमें कोई उपाय बताइए। बच्चा न ठहरने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि संभोग के समय वीर्य का गर्भाशय तक ना पहुंच पाना, या फिर डिस्चार्ज होते ही लेडी उठ के बाथरूम में चली जाती है। कहीं आप ऐसा तो नहीं करते हो? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं करती। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात संभोग करते रहते हैं फिर भी उन्हें बच्चा नहीं होता। इसका एक कारण यह भी है कि उन्हें सेक्स करने के उपयुक्त आसनों की जानकारी नहीं होती है। अच्छा डॉक्टर, एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे। जी। क्या कुछ ऐसे भी आसन होते हैं सेक्स करने के कि उन आसनों को करने से गर्भ ठहर जाता है? कुछ सुना है मैंने, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, ऐसे कई आसन होते हैं जिन्हें अपनाने से गर्भ ठहरने के 99% चांस बढ़ जाते हैं। क्या आप हमें उन आसनों के बारे में बता सकती हैं? सबसे पहले आप ये बताइए कि जब आप सेक्स करते हैं तो कौन सी पोजीशन में करते हैं? जी, नॉर्मल पोजीशन होती है, ये ऊपर होता है और मैं नीचे होती हूँ। आज मैं आपको एक आसन बताती हूँ। जब आप मासिक धर्म से निवृत्त हो जाते हैं तो लगातार 5 या 6 दिन तक आप उसी आसन में सेक्स करें। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि गर्भ जरूर ठहर जाएगा। अगर फिर भी ना ठहरे तो आप किसी विशेषज्ञ या चिकित्सक से सलाह मशवरा ले सकते हैं। जी बताइए डॉक्टर, कैसा आसन है? जब साधारण स्थिति में गर्भ ना ठहरे तो कुछ ऐसे आसन जरूर आजमाने चाहिए, जैसे कि लेडीज घुटनों के बल बैठकर अपने सर को जमीन से लगा लें, जिससे उसका बैक साइड उभर कर आता है और योनि भी उभर जाती है। इस पोजीशन में लिंग प्रवेश कराना चाहिए। औरत को थोड़ी तकलीफ तो होती है, लेकिन जब लिंग गर्भाशय के मुँह के पास पहुँच जाता है और जब वीर्य डिस्चार्ज हो जाता है तो वह गर्भाशय के अंदर चला जाता है। वीर्य डिस्चार्ज होने के बाद लेडीज़ को उसी पोजीशन में कम से कम 10-15 मिनट ऐसे ही रहना चाहिए। तुरंत खड़े ना हो जाए, लगभग 1 घंटे के बाद वह टॉयलेट जाए। ऐसा करने से यकीनन गर्भ ठहर जाएगा। यह आजमाया हुआ आसन है। आपकी बड़ी मेहरबानी डॉक्टर। तो डॉक्टर, आपने जिन आसनों के बारे में हमें बताया जी, तो हम दोनों करके देखते हैं। भगवान ने चाहा तो अब आप दोनों बहुत जल्द माँ बाप बन जाओगे। जी डॉक्टर, बड़ी मेहरबानी। नमस्कार। नमस्कार।